गाइज वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से। और आज अपन जाएंगे जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, किसी काम से कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो देने जाऊंगा मैं, मतलब मेरे नहीं है, किसी फ्रेंड के मेरे पास थे वो देने जाऊंगा। और अपन जाएंगे अपनी बाइक पे, वो खड़ी अपनी बाइक, और यहाँ से नहीं नहीं करते भी 20 किलोमीटर दूर है वो यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स उसको पकड़ाएंगे मेरे दोस्त को, फिर अपन वापस घर की तरफ आ जाएंगे। और एक काम और भी है बीच में, अपन को बुलेट का टायर देखना है जो। सो गाइस अब अपन चल रहे हैं अपनी बाइक के पास। उससे पहले मैं आपको बुलेट का टायर दिखा देता हूँ, मतलब अभी तो मैन स्टैंड पे खड़ी हुई है ये, पूरा यहाँ से फट चुका है टायर, मतलब ये दरार देख रहे हो आप, ये पूरी आ गई है, पूरा फट चुका है, मतलब ये टायर अब इसको चेंज कराना पड़ेगा। काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम से चेंज भी नहीं हुआ था, तो इसको चेंज कराएंगे। और मेरा भाई गया हुआ है आगे, शायद टायर पूछने गया है क्या है पता नहीं। अरे ये तो अपनी है ही। तो मैंने माइक का भी थोड़ा बहुत कुछ जुगाड़ किया, अगर वो सही हो गया है या फिर अब विंड नॉइस इतनी नहीं आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके प्लीज़ बताना। मैंने किया तो है जुगाड़, वो कितना सक्सेस होता है कितना नहीं होता वो देखते हैं बस। और शायद अपन को पेट्रोल और डलवाना पड़ेगा अपनी बाइक में, अभी तो है मतलब नहीं है, तो देखते हैं डलवा लेंगे, कोई इशू नहीं है। अपना सेटअप अभी तो परफेक्टली काम कर रहा है मेरे हिसाब से, बाकी अगर अगर मतलब अपन थोड़ी सी बाइक को तेज चलाएंगे तो दिक्कत आ सकती है, बाकी अब देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। तो अब अपन जा रहे हैं नितिन वाले पीजी, सबसे पहले उसके पीजी में जाके उसको उठाएंगे, फिर अपन जाएंगे यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। तो मैं यहाँ से लगभग लगभग बता चुका हूँ मैं 20 किलोमीटर है, वैसे बीच में ट्रैफिक जो मिलता है ना इस 20 किलोमीटर के बीच में तो फाड़ी रख देता है कि ट्रैफिक में, तो मेरे को तो ज़्यादा ही लगता है, कोई दिल्ली वाला देख रहा होगा तो वो बोलेगा कि नहीं ज़्यादा ट्रैफिक है ऐसे वैसे, मेरे को ये ज़्यादा लगता है बात साफ है। तो वैसे मेरे को मेरा भाई भी मिल गया अभी रास्ते में, नितिन उसी के साथ है। तो ये अपन पहली रेड लाइट पे तो आ ही चुके हैं, पहली रेड लाइट है, फिर इधर जाएंगे, इधर लाल कोटी की साइड जाएंगे, लाल कोटी की साइड जाने के बाद में वो टायर शॉप है, अभी खुल चुकी है। मैं बता रहा था कि मेरा भाई और वो नितिन आ चुके हैं, ये मेरा भाई हेलमेट वगैरह तो कुछ पहनता नहीं है, ऐसे ही घूमता है, तो चल रहा है रेड लाइट वगैरह सब कुछ साफ के, कोई ना होता है, इसकी किस्मत भी बढ़िया है, इसका चलान नहीं कटता। हमने तो हेलमेट वगैरह सब कुछ पहन वगैरह सब कुछ देख लिया फिर भी हमारा कट जाता है, अब वो हमारा काटते हैं या हमारा कटता है पता नहीं। टायर शॉप आ गई है, बुलेट का टायर वगैरह पूछ रहे हैं। ये मोटूस खड़ा है एक और हमारा, क्लासिक क्या बोला, क्लासिक क्या है। अच्छा तू एयर टायर है, तेरे में क्या पूछ रहे हो। ये मेरा भाई अब निकल रहा है यहाँ से घर की तरफ, टायर वगैरह पूछ लिया, अब जस्ट बुलेट ले आके टायर चेंज करवा लेंगे। बुलेट ले जाओगे? हाँ बुलेट, वो टायर अभी कर दोगे ना भैया टायर चेंज? टायर लेके जाने यार, चेंज यहाँ पे नहीं करते क्या? ठीक है मन सिखा भाई, ब्लॉगर हूँ मैं। तो गाइस जयपुर का ये एरिया मेरे को बहुत प्यारा लगता है, ये जनता सर्किल बोलते हैं शायद इसको, हाँ वही है। और सामने थोड़ी दूर चलने के बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी आ जाएगी, उसका तो सबको ही पता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, मेरी कॉलेज भी उसी के अंडर आती है।
वो राजस्थान यूनिवर्सिटी। जगतपुरा वाली साइड पे अपन उस साइड टोंक रोड की साइड पे नहीं है क्योंकि तो ये वाला रूट ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को, थोड़ी दूर से ट्रैफिक मिलता है और रूट काफ़ी फ्रॉड हो जाती है आगे जाके, मतलब थोड़ा बहुत दूर जाके अभी भी काफ़ी फ्रॉड ही है पर उस साइड वाली पता नहीं सात आठ जो रेड लाइट आ जाती है टोंक रोड की साइड में तो उस साइड में नहीं जाएंगे अपन, इधर से जाएंगे। और ये पहली रेड लाइट इस पर अपन रुकेंगे, रुकना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, नीचे हाथ कट जाएगा। जयपुर से तो सीतापुरा आके मतलब ये जयपुर वाले लोगों को तो पता ही होगी, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आके देखना बहुत प्यारा माहौल रहता है रात को। और ये और रेड लाइट मैं अभी बात कर रहा था, तो गाइस ये इंडियन ऑयल का प्लांट है पूरे राजस्थान में, यहाँ से ही इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप होता है ना, जिसको नहीं पता हो मैं बता देता हूँ, इंडियन ऑयल का जो भी पेट्रोल पंप है या फिर जो गैस एजेंसी है एलपीजी वाला, वो सारा यहीं से ही सप्लाई होता है। ये अंदर मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये गैस एजेंसी और इंडियन ऑयल का जितना भी फ्यूल है यहाँ से ही सप्लाई किया जाता है, यहाँ पर ही बनता है और यहाँ से ही सप्लाई किया जाता है। और अपन भी जस्ट पहुँचने वाले हैं वहाँ, तो गाइस यहाँ से थोड़े दूर चलते ही रिजल्ट आ जाएगी अगर मार्जिन यूनिवर्सिटी, और वो सामने भारत जोगी और जितेंद्र दिदावत दोनों मेरे दोस्त हैं। दुनिया बदमाश बना दी ना, मैं भगत आदमी था। जय श्री राम भाई। सो गाइस ये है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी का अंदर से कैंपस, और ये अपने गार्ड साहब अभी एंट्री कर रहे हैं अपनी बाइक की, मतलब अपनी बाइक की और अपनी एंट्री हो रही है। ये एंट्री करा के वो डॉक्यूमेंट दे के भैया को, यश भैया को, फिर अपन यूनिवर्सिटी का कैंपस। सो गाइस ये जगन्नाथ यूनिवर्सिटी का अंदर से कोर्ट है, ये फुटबॉल का ग्राउंड है और वो बास्केटबॉल का कोर्ट है। अभी तो इसकी यही कंडीशन है क्योंकि इतने जने खेलते नहीं है, और वो हमारे कार्तिक भी अभी आज आ गए जयपुर, ये हितेंद्र सिंह विदावत और ये भारतू। और बास्केटबॉल का कोर्ट एक उधर है, एंट्रेंस भी उधर से और एक एंट्रेंस उस साइड आगे जाके है। और ये बिल्डिंग किसकी, ये एग्रीकल्चर की बिल्डिंग है। और ये जिम्स के, ओके नाइस। ये पूरा खत्म हो चुका है फुटबॉल ग्राउंड, यहाँ पे खेलने का कोई सेंस बनता नहीं है वैसे, पर खेलना भी चाहे तो
खेल सकते हो, और वो मैं हमारी इनकी, और उधर वॉलीबॉल कोर्ट है। तो गाइस ये है वॉलीबॉल कोर्ट जो मेरे को अभी तक सबसे बढ़िया यही लगा इस कॉलेज में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा स्पोर्ट्स से रह गया इसलिए। और ये रात को यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते हैं, या फिर क्या करते हो तुम यहाँ पे रात को, खेलते हो कुछ? लाइट भी मरकरी है। स्पोर्ट्स इंचार्ज ही हमारे ये हैं, हितेंद्र सिंह विदावत, और मैच के इंचार्ज हमारे भारत जोगी उर्फ रेंदे। तो गाइस मेरे यहाँ सब्सक्राइबर बढ़ाए जा रहे हैं, ये डॉक्टर साहब हैं हमारे, ये रहा मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दिया। आइकन क्या बोलते हैं, बेल आइकन, बेल आइकन इनके साथ गई है। ओ हो गया भाई सब्सक्राइब, घंटा तो अपन को ना हो वकील साहब, घंटा मार लिया करा। तो गाइस अपन निकल चुके हैं अभी जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के कैंपस से, अपना वो काम था वो हो गया, और अब अपन जाएंगे सीधा घर की तरफ। टायर वगैरह सब कुछ मैंने पूछ लिया है, शायद भाई ने डलवा लिया होगा, नहीं डलवाया तो कल भी उसका आपको व्लॉग देखने को मिल जाएगा। ये व्लॉग वैसे भी कल आएगा, आज 5 तारीख है, 6 तारीख को ये व्लॉग अपलोड हो जाएगा, 6 को भी नहीं तो 7 को तो हो ही जाएगा कल, क्योंकि मेरे पास एक व्लॉग और पेंडिंग में पड़ा है, मेरे को वो अपलोड करना है, उसके बाद में ये वाला अपलोड करूँ। Now we are going towards our home. Yay! तो गाइस मैं इस रोड की बात कर रहा था, ये रात को बहुत बढ़िया लगती है रोड, अभी थोड़ा मतलब पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, पूरा अंधेरा होने के बाद से तो ये रोड इतनी प्यारी लगती है ना, जिसकी कोई रात को 1 बजे 2 बजे अगर आप इधर या फिर नाइट आउट करने आते हो तो इधर कस्बा बना, अगर आपका मन करे तो बाकी कुछ है नहीं इधर देखने को, पर रोड एकदम खाली पड़ी रहती है और प्यारी लगती है, मेरे कहने का मतलब ये है। बाकी आप पीछे आओ तो आओ, बताओ आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।